तो आज जून की 25 तारीख है और हिबिस्कस प्लांट ये हाइब्रिड हिबिस्कस है मेरा, तो मैं बताऊंगी आप लोग के इसकी रिपोर्टिंग कब करें, कटिंग कब करें और कटिंग कब लगाएं, तो आज पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो ये मेरा येलो कलर का है और पिछले साल मैं इसकी रिपोर्टिंग की थी जून के महीने में, इस साल फिर करूँ, लेकिन पिछले साल मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन इस बार मैं सेमी हार्ड करूँगी क्योंकि हार्ड प्रूनिंग करने के बाद बहुत ही लेट में ब्रांचेस आए थे इसमें। तो ये मेरा लगा हुआ था और कोई इसमें से चुरा के भी ले गया था, तो कुछ ब्रांचेस निकल आई हैं, तो इसकी मैं सेमी हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ। अब देखिए इसकी मिट्टी निकाल लूँगी गमले से और इसकी जो जड़ें हैं उसकी भी प्रूनिंग कर दूँगी मैं, तो जड़ें को जो हल्की जड़ें हैं उसको मैं काटूँगी, जो मोटी जड़ें उसको नहीं काटूँगी। तो इसकी जड़ पूरी कट चुकी है, ये देखिए। इसमें अरेलिया का प्लांट भी लगा हुआ था और दूसरे गमले में इसको शिफ्ट करूँ क्योंकि वो गमला मेरा टूट चुका है, तो इसकी इसका होल ड्रेनेज जो है वो अच्छे से हम बनाएंगे ताकि जल निकासी अच्छे से हो। तो इसके लिए हम कुछ टूटे हुए दिए के टुकड़े या तो गिट्टी और पत्थर या सीमेंट के टुकड़े हम डाल सकते हैं। और आप मिट्टी कैसे लें, इसकी मिट्टी जो है वो 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 10% सैंड ले सकते हैं। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में वैसे ही पोषक तत्व तो बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं, तो मैं इसमें काली मिट्टी भी दूंगी। और आप नीम का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, नीम केक का पाउडर बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें फंगस लगने का डर नहीं रहता है। और हाइब्रिड प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये देखिए मेरा ये मैं मिट्टी डाल चुकी हूँ इसमें और ये इसमें लगा दी इस प्लांट को। अब इसमें कौन सी खाद मैं दूँगी आज आप लोग को बताती हूँ। इसकी कटिंग आप फरवरी में भी कर सकते हैं और मानसून के महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मानसून के महीने में ही करती हूँ। अब इसमें खाद कौन सा दें मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने तीन खाद लिया है, पोटास लिया है, एनपीके 1919 और एप्सम साल्ट। इसमें पोषक मात्रा पोषक तत्व तो बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। एप्सम साल्ट तो पौधों को ग्रीन करने में बहुत सहायता करता है, एकदम पत्तियाँ हरी भरी दिखाई देती हैं। और पोटास यदि फ्लावर नहीं आना तो पोटास आप डाल सकते हैं, और भी आप खाद दे सकते हैं। नर्सरी वाले इसमें SSP देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि बहुत सीक्रेट खाद है, इसलिए उनमें भर भर के फ्लावर